हम लोग क्या क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए थे ना, सिंगलेटन सेट पढ़ लिए थे, सब नल सेट पढ़ लिए थे, है कि नहीं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट ये सब पढ़ लिए थे ना। हां सर, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट भी पढ़ लिए, इक्वल इक्विवेलेंट सेट भी पढ़ लिए थे, ठीक है। सबसेट पे चले गए थे जहां तक मालूम है, है कि नहीं। हां सबसेट ठीक है, आ रहे हैं सर। यूनियन में पढ़े थे सर, ध्यान रखिए सबसेट का बात करते हैं, ठीक है। सबसेट किसका सर, सबसेट पढ़ा दिए सर, सबसे पढ़ा देते हैं। मैंने 50 साल में पहले थोड़ा सा एक बात जानते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन था डाउट, कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर सर, कार्डिनल नंबर तो नहीं पढ़ा है अभी तक, बता देते क्या था, बता चुके लेकिन तुमको पता नहीं है इसका नाम। जो मान लो सेट है, सुनो मैं लिख रहा हूं, सुनो एक सेट है, अरे ठीक है छोड़ो उसका, ध्यान दो एक सेट है, सुनो इधर ध्यान, हमको देखो, हमको तुम लोग देखो, उसको नहीं देखना, हमको देखना। ये सेट है जिसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है। एक सेट है जिसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। कितना लिमिट है, पांच। कितना लिमिट है, पांच। कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, फाइव। फाइव किसी बोलते हैं कार्डिनल नंबर, क्या बोलते हैं इसको, कार्डिनल नंबर, क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसको दिखाते हैं एन ऑफ ए से, किसे दिखाते हैं एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, क्लियर बात समझ आ रहा। इसे क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर। व्हाट इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर डिनोट एज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, ठीक है। तो अभी जो खास बात बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पावर सेट, भयानक सेट, भयानक सेट। चले लिखो बेटा इसको, ध्यान दे दो, इधर ध्यान दो। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है पावर सेट, किसका बात करते हैं पावर सेट सर, यूनियन नहीं पढ़ेंगे सर। हाँ हाँ सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, रुको अभी खत्म हुआ चैप्टर नहीं सर, चैप्टर खत्म हुआ फिर पूछना क्या छोटा है, कुछ नहीं छोटेगा, 0% एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज जान जाएगा। ध्यान दो, देखो सर्वे सो 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 पहले बात समझते, पहले सबसे हम लोग सब जानते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, एक सेट है जिसमें मान लो तीन एलिमेंट है, कितना उसका कितना सबसेट बनेगा, 2 का पावर 3, बोला आया ना, मतलब एक सबसेट है कि नहीं, ये बता रहे 2 का पावर n, where n is equal to cardinal number, मतलब number of element present in that set, बोला आया ना, ठीक है। 2 power n जो हम लोग लेते थे याद है ना, n को ही बोलते हैं cardinal number, n को ही क्या बोलते हैं cardinal number, ठीक है, क्योंकि जितना element present है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं cardinal number, क्या बोलते हैं power set। सुनो इसको दिखाते हैं p of a से, किससे दिखाते हैं p of a, ठीक है, p of a से दिखाते हैं, पावर सेट का डेफिनेशन क्या होता है, हां सी और उसके नीचे वो देते हैं सर, सबसे ये होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है प्रॉपर सबसेट। जैसे देखो इसका एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे देखो एक सेट है मान लो ए जिसमें 1 है 2 है, ठीक है ना, सुनो एक सेट है जिसमें 1 और 2 है, एक सेट है बी, ये क्या हो गया 1 और 2 है, ठीक है ना। तब हम लोग देखो ये दोनों आपस में सेम एलिमेंट है, इक्वल सेट भी है, इक्विवेलेंट सेट भी है कि नहीं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है, जी हाँ है, हर कोई अपना खुद का सबसेट होता है, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, समझ रहे हो, ठीक है ये भी बोल सकते हैं। अब यहां पर ये रहता तो खाली वन रहता है, यहां मतलब बोलते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, लगा सकते तो प्रॉपर मतलब कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट सही बात, मतलब एग्जैक्ट जो एलिमेंट उसमें है वो लिमिट इसमें भी है, समझ इक्वल टू का साइन होता है, मतलब इक्वल टू भी है। अब बोलो वो सब्जेक्ट के साइन जब एक जगह देख लिया वहां पे वो प्रॉपर सब्जेक्ट पे रहता है, और वो जब बता रहे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वो सबसेट होता है। देखो देखो यहां पर सबसेट हम ए ये दे दिए, देखो ठीक है ना, यहां पर क्या है सिर्फ सबसेट है, क्या है सिर्फ सबसेट है, एक जगह जैसे हम देते हैं यहां पे देखो 1, 2 देते हैं, ठीक है ना, तब यहां प्रॉपर सबसेट लेंगे, बात समझो
जैसे हम बोलते हैं, सर बात समझो क्या बोलते हैं सर, हम बोलते हैं एक्स इज अ नंबर, एक्स इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन टू, एक्स इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, दो से बड़ा, दो से क्या, दो के बराबर कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे दो के बराबर, अरे कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं मतलब दो से बड़ा क्या हो सकता है, मान लो थ्री, मतलब 2.1, लेकिन मान लो सब नेचुरल नंबर लेते, क्या लेते हैं नेचुरल नंबर, क्या लेते सर नेचुरल नंबर, सब नेचुरल नंबर लेते समझो, तब क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर लेंगे तो मतलब 2 से बड़ा 3 हो जाएगा, बोलो हाँ ना, जब हम लिखते हैं लिखते x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब सबसे पहला नंबर क्या दिमाग में खड़कता है 2, मतलब ये क्या इक्वल के बराबर भी है, समझे बात, यहां पर जब इक्वल टू आते हैं मतलब ये सबसे तो है साथ साथ क्या है बराबर भी है, खटका खटका, ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा, देखो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन लिखो, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट पता है क्या है, प्रॉपर सेट इज अ सब, प्रॉपर सेट इज अ सेट, प्रॉपर सेट इज अ सॉरी पावर सेट, सॉरी पावर, अरे यार हम भी तो कह जाना पावर सेट, मन पावर चल रहा, बोल प्रॉपर है, लिख प्रॉपर है, जो होता रहता है ना कल जी क्रैक करा दिया हमसे फिर से अरे बाबा ने, पावर सेट इज अ सेट विच इज, ध्यान देना विच इज, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑफ ऑल द सबसेट, ऑल द सबसेट, प्रॉपर सेट क्या है एक सेट है, सुनो सुनो प्रॉपर सेट क्या है एक, सॉरी पर लिखे पावर बोल रहे प्रॉपर, पावर सेट इज अ सेट, पावर सेट क्या है सेट है, पावर सेट क्या है सेट, इसका सेट है सारे सबसेट का, जैसे हम एग्जांपल लेते समझो, एक सेट लेते ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये लिए इसका सबसेट क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा एक तो क्या क्या बनेगा सबसेट क्या बनेगा इसका, ध्यान दो इसका सबसेट एक बचेगा सबसे पहला 5 बनेगा, अरे बोलो है ओपन सेट, अरे बोलो है यहां, सेकंड क्या बनेगा 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, अरे बोलो है ना, फिर क्या बनेगा 1, 2 बनेगा, हाँ वो तो हम भी जानते कौन कौन बनेगा वो बता रहे हैं, फिर 1, 3 सुनो 1, 3 फिर 2, 3 फिर और कुछ नहीं, 3, 3, 6 हो गया 7 हो गया, एक बचे खुद का 5, बोलो हाँ यार 8 तो बना, बना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 सबसेट बना, 8 सबसेट बना ना, ये हमारे पास एक सेट है ए, इसका कितना सबसेट बना 8, क्यों 2 का पावर 3 है कि नहीं, अब पावर सेट क्या है तो पी ऑफ ए लिखना है, क्या लिखना पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा पता है, ध्यान से देखो कितना सबसेट, कितना सबसेट है इसका सब एलिमेंट हो जाएगा, ई एक का एलिमेंट हो जाएगा, फिर ई एक का एलिमेंट हो जाएगा, फिर ई एक का एलिमेंट हो जाएगा, फिर ए एक का एलिमेंट हो जाएगा, फिर ई एक का एलिमेंट हो गया, फिर ई एक का एलिमेंट हो गया, फिर ई एक का एलिमेंट हो गया, फिर ये भी एक एलिमेंट हो गया, मतलब कितना एलिमेंट हो गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोलो है ना 8 एलिमेंट हो गया, मतलब जो ध्यान रखो लिखो बोलो जो सेट था उसका जो सबसेट बना वो पावर सेट का एलिमेंट हो गया, नहीं समझे बोलो किस तरह हो गया, जैसे मान लो तीन आदमी समझो, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर, एक कॉमन पीपल है, मान लो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कॉमन पीपल, ठीक है ना, समझो एक कॉमन पीपल है, अभी अपनी कॉमन पीपल कॉमन पीपल पावर घोल चल रहा है, ठीक है ना, जब चीफ मिनिस्टर सामने आया तो पावर घोल कौन हो गया चीफ मिनिस्टर, मतलब ये पीपल जो गया इसका एलिमेंट हो गया, बोलो है ना, मतलब सबसे हो गया कहीं सा सबसे, सबसे एलिमेंट कौन हो गया, एलिमेंट सब कॉमन पीपल है कि नहीं, थोड़ा देखो
जब चीफ मिनिस्टर के सामने प्राइम मिनिस्टर आ गया ना, तो सारा चीफ मिनिस्टर किसका एलिमेंट हो गया? प्राइम मिनिस्टर का। ये हो गया हमारा पावर से, पावर मतलब सबसे पावरफुल, सबसे पावरफुल से, तीन ही होता है, सबसे पावरफुल से, सबसे पावरफुल से कौन कौन क्या? पावर से। पावर सेट क्या है? वो एक सेट है। पावर पे पावरफुल सेट क्या है? एक सेट है। किसका सेट है? सारे सबसेट का। सबसेट क्या है? सारे एलिमेंट मिलकर के कितना अलग अलग डिफरेंट सेट बना सकते, बनाया ठीक है, क्लियर? इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, क्वेश्चन कराए। पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा थोड़ा सी चीज और देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, अगर हम पूछते तुमसे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा पावर सेट में, बता सकते हो? यहां पर आठ दिख रहा। अगर तुम तो बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, पावर ऑफ एन आगे लगा दिया मतलब समझ लेना किसका बात कर रहा, कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट का। किसका नंबर ऑफ एलिमेंट? पावर सेट। किसका? और एन ऑफ ए लिख दिया मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए। एन ऑफ पी ए लिख दिया मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर। किसका? पावर सेट। तो एन ऑफ ए क्या है? यहां से देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? टू का पावर थ्री है, जितना सबसेट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा, क्या पूछ रहा? नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होगा? जितना सबसेट होगा, है कि नहीं? एट होगा सर। पावर थ्री एट होता है। देखो ध्यान देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या जाएगा? इज इक्वल टू सबसेट्स, ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट तुम लोग क्या दिखाते हैं? एन ऑफ पी। अरे बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? टू का पावर एन। अरे बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? मतलब यहाँ पूछते डायरेक्टली हम क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा सर, देखो क्वेश्चन देंगे सवाल। जेई में एक ही बार सवाल आया था, एक दो बार, लेकिन कुछ कुछ आई टी में पहले सवाल आ चुका है, सात आठ क्वेश्चन है वो देंगे वो तुमको। लिखो लिखो नोट करो। नहीं सर। अच्छा फिर जल्दी 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 सर कमा नहीं रहे आज। अभी तक नहीं निकल, लेकिन ध्यान से देखो जल्दी को, इधर का बटन है, इधर का बटन है, पावर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, दे क्वेश्चन देखो। इफ इफ ए इज इक्वल टू सो सो और सो सो इफ ए इज इक्वल टू टू फाइव थ्री टू एंड फाइव फाइंड टी ऑफ ए। बहुत आसान है, एकदम 10 सेकंड में निकल जाएगा। अरे बोल पाए ना? है क्या निकल जाएगा कि नहीं? निकाल जल्दी निकाल। सर टू ही आएगा सर, कल टू ही आएगा, चार को आएगा, चार का आएगा। हाँ यहाँ पर क्या है? फाइव ब्रैकेट के अंदर है, मतलब फाइव एलिमेंट है ना। कौन कौन बनेगा? पावर सेट निकालो, नंबर ऑफ पावर सेट नहीं पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट नहीं बोले। पावर सेट क्या होगा? मतलब पी ऑफ ए निकालो, पी ऑफ ए क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? एक खाली एलिमेंट जिसके जो नल सेट है,
तो बाद में लेकर तुम्हें दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लो ताकि भूल ना जाओ। सबसे पहले एक नल सेट, फिर दूसरा क्या लिखो, दूसरा एक सिंगल सिंगल करके लास्ट में दोनों को साथ, लास्ट में दोनों साथ में बोलवाए ना, चार का सेट बन गया, चार एलिमेंट बन गया। ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट। क्या हो गया हमारा, P of A. सर ऐसे। चलो अब शुरुआत हुआ पावर सेट का, ठीक है? अब शुरुआत हुआ असली चीज तो। सब बता देंगे। अच्छा आज कुछ है ना आदिवासी दिवस? एवरी सेट यहाँ पर नल सेट तो लिख दो, यहाँ पर तो नल ही सेट है,
यहाँ तो नल ही से और कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं है, है? नहीं है, खाली नल सेट है ना। अब देखो पी ऑफ ए निकल गया, ये अब नया सेट, बाकी ऊपर सबको भूल जाओ, फाइव को थोड़ा देर के लिए नंबर को एज्यूम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ठीक है, समझ, इसके ऊपर सब भूल जाओ। अब हमको केवल निकालना, चार बार निकालना, केवल दो बार निकल गया, तीसरा देखो मतलब फिर से इसका पावर सेट निकालना, कितना निकालना, फिर से इसका पावर सेट, ध्यान दो नजर में हट, नजर हटी दुर्घटना घटी, पेन पेपर से कोई लिखता है पेन तोड़ देंगे, समझ जाएगा सर, देखो एकदम ध्यान दो। अब कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, अब इसका सबसेट कितना बनेगा, चार, टू टू का पावर टू, ध्यान दो मतलब इसका क्या निकालना, पी ऑफ ए, बोलो फाइन ना, क्या हो जाएगा, ध्यान दो चार को बनेगा, कितना बनेगा, एक सौ, सबसे पहला सेट कौन बनेगा, फाइव, अरे बोलो फाइन ना, नेक्स्ट सबसेट क्या बनेगा, एक हमारा फाइव बन गया, मतलब ओपन सबसेट, क्या बना, नल सेट, है कि नहीं, अब ध्यान से देखो, नल सेट इज ऑल्सो अ सेट, है कि नहीं, एलिमेंट इसका एक टॉवर फाइव रहेगा, क्या रहेगा, एक टॉवर फाइव रहेगा, समझ में आया, इसका तो फाइव जो होता है नल सेट वाला, अभी जो फाइव कौन है, इसका एलिमेंट है, खतरनाक है, देखो अभी, अब एक तो क्या हो गया, ये वाला, बोलो हाँ या ना, अब एक तो क्या हुआ, दोनों मिला के, दोनों मतलब फाइव कॉमा, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, चार सबसेट बना, कितना बना, ठीक है ना, अब सुनो, अब हमको इसका फिर सबसेट बनाना है, तो बना लेगा पी ऑफ ए, मतलब एक दो तीन चार एलिमेंट, टू का पावर फोर, कितना हो गया, सोलह, कितना सेट बनेगा, सोलह, समझा कि, चलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ध्यान दो, डोंट चेंज द क्वेश्चन, डोंट चेंज द आंसर, चेंज द क्वेश्चन, लो ठीक है, अब ठीक है, नहीं आ रहा सर ये, ठीक है, आ गया सर, चार बार, तीन बार तो बोल रही थी, तीन बार निकाल दिए, अरे इधर देखो ना, तीन बार मांगा है ना, तीन बार हो गया, डोंट चेंज द आंसर, चेंज द क्वेश्चन, ठीक है, अरे बोल लिया, बोल लिया, देख देख देख, ध्यान दे, देख ना, अरे खांसी बहुत ज्यादा आ रहा है, बोल लिया, ध्यान दो, दो तीन, अरे ध्यान दो, हीरो, अरे है यार, देख 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 देख, पहला तो ओए क्वेश्चन, ओए पहला तो बना रहे थे, तो मैंने सुनो, ओए ये तो कंप्लीट कर देना, रेड तो कंप्लीट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ, सो ध्यान दो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, कितना, प्रॉपर सबसेट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हैविंग एलिमेंट्स फाइव, फाइव हैविंग एलिमेंट्स, हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सेट कितना होता है, टू का पावर एन, टू का पावर फाइव, मतलब 32, ठीक है, लेकिन क्या बोला, प्रॉपर, क्या बोल दिया, मतलब जो सुपर सेट उसको छोड़ के, अपना वाला सेट छोड़ कर, जैसे कोई एग्जांपल है, कोई एक सेट है, वन टू थ्री फोर फाइव है, ठीक है, ये सारा सेट बनाएगा, नल सेट ये एक एक करके बनाएगा, लेकिन एक से सबसे ये भी बनेगा, वो है छोड़ दिया, इसको छोड़ के उतना में से माइनस वन, उतना में से माइनस वन,
मतलब टोटल इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सब्सिट्यूशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रॉपर सब्सिट्यूशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बता दो, टू का पावर एन माइनस वन, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, नोट करो। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो इंटरवल ऑफ से, इसको ध्यान से समझना, इन्हें समझा कुछ नहीं समझा, बहुत ध्यान रखिएगा। इंटरवल तीन तरह का इंटरवल होता है, ओपन क्लोज सेमी ओपन सेमी क्लोज। एफएम रेडियो वाला चल रहा बजाते रहो 93.5 रेड एफएम, है ना। बेटा इंटरवल्स का बात कर, इसका बात करते हैं इंटरवल्स का, इसका बात करते हैं इंटरवल्स का, इसका बात करते हैं। तीन तरह का इंटरवल्स होता है, सबसे पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल्स, किसका ओपन इंटरवल्स, ठीक है। सेकंड में बात करते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड का बात करते हैं हम लोग सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। अंकित नजर आ रहा है, तीन तरह के इंटरवल है, कौन कौन, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। ध्यान रखो हम तीनों को बढ़िया डीप में स्टडी करेंगे। कौन बोल रहा है, देखो इंटरवल तीन तरह, ओपन क्लोज सेमी ओपन सेमी क्लोज। देखो सुनो, इसको पहचान रहे हो इसको, देखो ये मान लो जीरो है, ये मान लो माइनस वन, ये मान लो माइनस टू, ये मान लो माइनस थ्री है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। सुनो सुनो ध्यान, हम बोलते हैं एक्स इज, सुनो ध्यान, एक्स इज लेस देन फाइव, एक्स इज लेस देन थ्री एंड ग्रेटर देन माइनस टू, एक बात लिखो, सुनो इस बात को ध्यान से समझो फिर बात करते हैं। सो हम एक बात लिखे, क्या लिखे, एक्स इज, क्या लिखे, एक्स इज, एक्स को देखो, किसको देखो, हम एक्स का बात करें, एक्स को देखना, किसको देखना, एक्स इज थ्री से उल्टा लिख दिया, एक्स इज लेस देन थ्री एंड ग्रेटर देन माइनस टू। एक्स को देखो, एक्स क्या है, एक्स क्या है, छोटा है ना, एक्स थ्री के तरफ बड़ा है, मतलब थ्री बड़ा है, थ्री और एक्स में बड़ा कौन, थ्री, थ्री और एक्स में बड़ा कौन, मुंह जिधर खुला हुआ उधर कौन है बड़ा, जिधर मुंह खुला हुआ
वो बड़ा, थ्री और एक्स में बड़ा कौन, थ्री, मतलब थ्री एक्स में छोटा कौन, एक्स, मतलब एक्स क्या है, थ्री से छोटा, एक्स और माइनस टू में बड़ा कौन, एक्स, मतलब एक्स बड़ा है किससे, माइनस टू से, मतलब क्या केस होना, एक्स माइनस टू से बड़ा है और थ्री से छोटा है, माइनस टू से बड़ा है और थ्री से, अब देखो इसको देखो, बोल रहा एक्स माइनस टू से बड़ा है, माइनस टू कहां, यहां पर, अब थ्री कहां, यहां पर, मतलब बोल रहा है यहां पर इससे बड़ा है, देखो समझाना, यहां से क्या किया, यहां से ध्यान दो, यहां मान लो ध्यान दो, अभी एक्चुअल सर्कल बोला है माइनस टू और थ्री, बोला है ना, ठीक है, पहले देखो वो देखा माइनस टू से बड़ा है, क्या देखा माइनस टू से, ये बता करके यहां से बड़ा, चल बड़ा है, चल चलते हैं, ठीक है, वो बता करके इन्फिनिटी तक चला गया, ठीक है, फिर थ्री बोलता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ आराम से काट में थ्री का ये लगे, ये रास्ता पार नहीं करना, दायरा पार नहीं करना, समझे बात, ठीक है, माइनस टू से थ्री तक, समझे बात, इंटरवल को बहुत अच्छा समझना, जहां काम मिलेगा, अब ध्यान देखो यहां इक्वल टू है, इक्वल टू है, मतलब यहां पर माइनस टू को नहीं टच करेगा, माइनस टू को टच, मतलब माइनस वन पॉइंट चलते यार, लेकिन टू को टच, माइनस टू को टच नहीं करेगा यार, यहां पर 2.999999 को टच करते हैं, थ्री को टच नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है, अगर हम इसका वैल्यू लिखें, x का वैल्यू इसको, तो x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, x माइनस टू से थ्री तक, माइनस टू से कहां से, माइनस टू से थ्री, माइनस टू से इसको इनके माइनस टू से लेकर के थ्री तक, ऐसे नहीं हुआ, इसको ब्रैकेट देना होगा, क्या देना होगा, ब्रैकेट, क्या देना होगा, सुनो ब्रैकेट भी तीन तरह का पता ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो हटा दो, ये क्या हमारा सेट का, ये क्या सेट के लिए, ये ब्रैकेट का फर्क देखो क्या, ये ब्रैकेट मतलब हो गया माइनस टू को टच नहीं कर रहा, इधर भी लगा दिया मतलब थ्री को टच नहीं कर रहा, सही बात, सही बात, अब तुम लोग क्वेश्चन आ चाहिए, अगर हम ये इधर लगा देते तो, मतलब थ्री को टच कर रहा है, थ्री को टच कर रहा है, यहाँ बताएंगे, मतलब टच नहीं कर रहा, ये हमारा क्या लिखे, इसका लिखने का मतलब क्या, इसका लिखने का मतलब क्या, एक्स माइनस टू से लेकर थ्री तक है, माइनस टू से लेकर के थ्री तक, मतलब माइनस टू से लेकर थ्री तक, मतलब एक्स जो है हमारा माइनस टू से बड़ा है और थ्री से छोटा है, ये इंटरवल, इसको समझेगा वेरी कर, समझ में आएगा, बेबी कर, बहुत खतरनाक चीज है, एकदम फोकस करो, जे में इस साल भी हर एक स्क्रिप्ट में क्वेश्चन देखे उसका, हर एक स्क्रिप्ट में दो दो क्वेश्चन देखे, एक दो क्वेश्चन हर एक स्क्रिप्ट में, जो बेबी कर जितना टफ हम करा रहे ना उसका आधा लेवल में आ रहा है सवाल, जितना टफ हम बेबी कर करवा रहे ना, लॉग ऊपर लगा रहे, रूट कैन पावर, मतलब उतना करवा रहे ना, उससे इजी क्वेश्चन पूछ रहा बेबी कर, हम सिखाएंगे लॉग, अरे लॉग तो ऐसे सीखे, एक सौ चीज सीख रहे लॉग तो तुरंत हम सीखे, लॉग तो सीखे लॉग बहुत आसान है, बहुत आसान, आधा घंटा लगेगा लॉग सिखाने में, आधा घंटा इनफ है, तुम लोग आता है ना, तुम लोग आता है ना लॉग, लॉग नेक्स्ट देखो, अब क्लोज इंटरवल को देखे ध्यान से, बस वही चीज है, माइनस थ्री मान लो, माइनस टू मान लो, माइनस वन, अब बोलो लिखने का तरीका है, माइनस टू से लेकर के थ्री तक, ये बता रहा, बताना यही चाह रहा, ठीक है, सब उसके अंदर आ गया, सब आ गया, अगर ये ब्रैकेट लगाए तब, ब्रैकेट नहीं लगा तो इतना मात्र, ठीक है, यहाँ बिलोंग्स टू भी नहीं है, ठीक है, सब चीज ध्यान दे यहाँ पर, x belongs to, ये सब ध्यान जरूरी है, मतलब ये इसका फैमिली से बिलोंग कर रहा, इसका फैमिली से माइनस टू से लेकर थ्री का बीच में जो आता है सबका फैमिली से, अब देखो क्लोज इंटरवल मान लो इसे लिखते, देखो मान लो लिखते x is greater than equal to, x is less than equal to 2 and greater than equal to minus 1, ये बात लिखते ध्यान से देखो, सुनो यहां पर क्या लिखे हम, यहां दो इधर x जो है माइनस वन से बड़ा है और बराबर भी है, बड़ा है और
और टू से छोटा है और बराबर भी है कि नहीं, मतलब x माइनस वन से बड़ा है, कहां से बड़ा है, माइनस वन से, जाते रहा बोला बोलते रहो आराम से, टू से छोटा भी है और बराबर भी है, टू से छोटा भी है और बराबर भी है, मतलब यहां तक, यहां तक होगा। एक चीज खास नोट करो, ध्यान रो यहां ओपन इंटरवल क्यों बोले, देखो यहां ध्यान दो, यहां पर ओपन ब्रैकेट, कौन सा ओपन डॉट, कौन सा, यहां पर पूरा डॉट, यहां पर पूरा क्लोज डॉट, ठीक है ना, ये हमारा साइन है याद रखना, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, वो क्या साइन, ओपन क्लोज इंटरवल, क्या है, क्लोज इंटरवल। देखो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया हमारा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, माइनस वन से टू तक, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा, क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड है, क्योंकि ये, समझ में बात, तो लोग स्टार्टिंग इलेवन से करता हूं अभी तक, तो मतलब दो बार तीन बार स्पेस करता हूं रहता मालूम है, अगर तुम नहीं छोड़ देने, देखो इसको देखो, बहुत अच्छा बता रहे, बहुत ध्यान से सुना, नोट्स को बहुत बढ़िया बनाना, क्योंकि तुम्हारा खुद का नोट्स में रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, रिवीजन रेगुलर करना, ठीक है, एनसीईआरटी इज कंपलसरी फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मैथ्स के लिए नहीं बोलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज कंपलसरी, पहले उसको लगाओ फिर रेफरेंस में भागो फिर स्टडी मटेरियल, सर ठीक है, और क्या बोलता है ये, क्या बोलते इसको, नोट्स इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा हथियार है ना, तो सबसे दो दो हथियार है, एक डीपीपी और एक टेस्ट, जो लड़का सही से स्टूडेंट, लड़का लड़की या कोई भी स्टूडेंट सही से टेस्ट लगा के ना, सारा कहीं नहीं जा रहा, बता दे 60% 50% क्वेश्चन तो खाली टेस्ट से गिरेगा, जो टेस्ट का पेपर है उससे, हम बता रहे सब क्वेश्चन वहीं से गिरेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे तो ऑप्शन हो सही मिल रहे, पहले हम देना चाहिए सही आ रहे हो, देखो अगर हम लिखते सुनो, x इज ग्रेटर देन लिखते मान लो 3, x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, देखो एक बात लिखते हैं, x इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, मतलब क्या लिखे ध्यान से देखो, x इज लेस देन 3, लेस देन 3 क्या हो गया, 3 से छोटा, 3 से छोटा, अरे भाई जा रहा, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना, बोलता आराम से माइनस 2 से बड़ा भी है, माइनस 2 से बड़ा भी है, यहां पर हमारा क्या लग गया ध्यान से, डॉटेड वाला कौन सा, यहां कैसा लग गया, ओपन क्या लग जाएगा, ओपन क्या लग जाएगा, है कि नहीं, इक्वल टू नहीं इसलिए ओपन, इक्वल टू इसलिए डॉटेड, समझा बात, मतलब इसको अगर हम लिखना चाहे अपना फॉर्म में अपना औकात में, तो क्या जाएगा हमारे ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस टू से 3, लेकिन माइनस टू में क्या इक्वल टू है, ध्यान दो माइनस टू में क्या इक्वल टू है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और 3 में क्या ओपन है, मतलब कर्ली ब्रैकेट, समझ में आया बात, ऑप्शन में ऐसा ऐसा बहुत चकाएगा, बहुत चकाएगा ऑप्शन में, ये था हमारा इंटरवल ऑफ सेट, क्या था, नोट कर लियो, नोट कर लियो, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, तेरे बिना जाऊं कहां, तेरे आ ओ रिकॉर्डिंग भी चल रहा ना, भैया मिठाई ध्यान भी रहते हैं, हाँ ध्यान भी रहते हैं, कौन बोला, मैंने कहते हैं ना ना मैंने कह दिया, अरे अंकित बाबा
कहाँ देख रहा था? धवन सर आया एक तरह टेंशन में हो गया क्या हुआ सर आया आगे चले चल ध्यान ध्यान दो आगे बढ़े आगे बढ़े अरे आगे बढ़े आज सेट्स का झमेला खत्म कर देंगे ब्यूटी का लगभग आधा झमेला खत्म हो जाएगा क्या बोला क्या सर उधर कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा चल रहा था जो ये सवाल खत्म हो गया है शर्मा का तीनों एक्सरसाइज खत्म करना तो फायदा ठीक है खत्म करो उसको खत्म करो बिकॉज अब पोलर और आइलर फॉर्म आएगा अरे भाई साहब लिखो वेन डायग्राम अरे इसी में है रे बाबा सब यूनियन इंटरसेक्शन के चक्कर में हाँ वहां है हाँ आई नो देखो तो अरे देखो तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है क्या है मतलब पिक्चर का फॉर्म में दिखाएगा पिक्चर का फॉर्म में क्या दिखाएगा पिक्चर का फॉर्म में ठीक देखो समझो बात को इसको समझने की कोशिश करना सेट्स का ऑफ मेनी सेट्स और सिंगल सेट्स कुछ भी हो सकता है सेट्स नहीं सेट्स वेन डायग्राम मस्त चाहिए पता है डायग्राम जिसको कुछ समझ में आता है वेन डायग्राम से सबसे समझ में आएगा ऐसा चाहिए जिसको बाकी सब चीज से रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म समझ नहीं आ रहा वेन डायग्राम बनाने आना चाहिए बनाने आ गया बना दिया सौ समझ हो जाएगा पूरा मामला है ठीक है मान लो ये पूरा यूनिवर्स है ओए सुन सुन ओए ध्यान दो कैफ हां सर इधर देखो आप तुम जज बन रहे हो जज कहां बन रहे हो मान लो ये पूरा यूनिवर्स है क्या कैफ क्या कैफ ये पूरा यूनिवर्स है मान लो पूरा यूनिवर्स को उठा के इस बॉक्स के अंदर डाल दिया ठीक है मान लो पूरा यूनिवर्सल सेट क्या जितनी इस यूनिवर्स में जितना सेट है सब सेट को इस बॉक्स के अंदर डाल दिए ठीक है ना ठीक है अरे नहीं है उतना भी नहीं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हो एक पेज अच्छा होता है बताइए तो ये मान लो हमारा यूनिवर्सल सेट है कैसा सेट है यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाते हैं यू से किससे दिखाते हैं यू से सर पता ना मान लो इसके अंदर एक सेट है ए सेट क्या सेट है सेट ए कौन सा सेट है ए सेट ठीक है अरे बोलो है ना इसके अंदर मान लो एक सेट और है बी ठीक है मान लो छोटा नहीं दो सेट ध्यान अगर हम चाहें ए सेट लिखना क्या चाहें ए सेट देखो ध्यान से देखो ए सेट और बी सेट क्या ए और बी का कोई कॉम मेल मिलाप लग रहा मेल मिलाप है नहीं। कोई काट छाट है तो उसमें टच उच कर रहा है काट रहा नहीं मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट कौन सा सेट है लिखो इसको यहां से डिसजॉइंट सेट में क्लियर इसलिए अब बोले सब में लेके आएंगे ए और बी क्या है डिसजॉइंट सेट एग्जांपल इसका ऐसे भी दिखा देगा दिखा दे एग्जांपल ए सब ए सेट बिल्डर फॉर्म है मान लो ए इज एक्स सच दैट फाइव इज ग्रेटर देन फाइव से छोटा है
और टू से बड़ा है एंड बी इज एक्स इज दैट माइनस टू से बड़ा है माइनस फाइव माइनस टू से छोटा है माइनस फाइव देखो सो देर ऑप्शन देते हैं ए ए इज अ सबसेट ऑफ बी नंबर बी बी इज अ सबसेट ऑफ ए नंबर सी ए एंड बी आर डिसजॉइंट तो सबको मालूम है नेम एंड नंबर ठीक देखो क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन तो फिंगर टिप्स पर आता है बन जाता है एक सेट है ये वाला एक्स सच दैट फाइव एक्स क्या है फाइव से छोटा है टू से बड़ा है ठीक है मान लेते नेचुरल नंबर लिखे नहीं मान लेते नेचुरल नंबर ठीक है तो फाइव से छोटा मतलब 4.9 से स्टार्ट करते तो मान लो 4.32 मान लिया 4.3 ठीक है ना ठीक है चलो मान के चलो ठीक है ना और यहां पर बोला x माइनस टू से छोटा है माइनस फाइव से बड़ा क्या कोई मेल मिलाप लगा इसका एलिमेंट आएगा फाइव फोर मान इसका एलिमेंट आएगा मान लो फाइव इक्वल टू ले लो चलो ले लो अच्छा रहेगा मान लो ठीक है मतलब इसका एलिमेंट आएगा फाइव से लेकर के दो के बीच में इसका एलिमेंट आएगा माइनस फाइव से माइनस टू के बीच में कोई भी एलिमेंट मेल मिलाप है दोनों क्या डिसजॉइंट दोनों क्या डिसजॉइंट है कभी सबसे होगा एक दूसरे का डिसजॉइंट होगा क्या होगा देखो ए एलिमेंट में फाइव से लेकर के टू तक का एलिमेंट है फाइव से टू है कि नहीं इसमें माइनस टू से माइनस फाइव है दोनों में से कोई भी इंटरसेक्शन आ रहा मतलब कोई मिल रहा नहीं मिल रहा मतलब दोनों डिसजॉइंट है क्या लिखा है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज बोथ आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है वहां पे कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता ना इक्वल टू है कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग वाला टू से यहाँ खत्म में हो जाएगा माइनस टू बीच में इतना बड़ा गैप है कि जैसे कि बीच में गैप ही है जैसे है ना उस तरह से बीच में इमेजिनरी गैप आ रहा अरे बोले अरे बोलो आए ना अब टीचर बनवाने पड़ेगा ना बोला हाँ ये ना जुबली पेट्रोल पंप लेकिन चाइना इतना मतलब क्या बोल रहे डिमोनेटाइज कर रहे बोल नहीं सकता सर अभी नहीं है सर एशिया का नंबर कौन ये जुबली वाला अभी का नहीं पता बहुत पहले पढ़ा थी जहाँ से आप बुक में पढ़े थे लोसेंट वाला बुक का था मैं घर में कैसा मसाला में पढ़ के रहता था गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं आता जॉब भी था पता नहीं तो हम घर पर एडिटिंग मार कर मैं जितना नॉलेज इसे अच्छा रहता था ऐसे के तो मान दिए तो मैथ्स में फोकस ज्यादा हो गया मैथ्स में केमिस्ट्री में फिर बोले जीवन का असली आधार तब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है देखो ध्यान दो अब देखो असली अब यूनियन इंटरसेक्शन कर रहे थे हम तो लोग अब देखो देखो ध्यान दो हीरो रोल समझना पड़ेगा पहले ही समझो
इसको जल्दी बेटर बन गया ये मान लो पूरा यूनिवर्सल सेट है, कैसा सेट है? यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। स्क्वायर वाला जो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। स्क्वायर वाला क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो ध्यान दो, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, बोला है ना। हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? हाँ, एलसी इंटरसेक्शन मतलब समझो, समझो, समझो। मेरे पास जैसे समझो, आज हम पी, मेरे जो कपड़ा पहन के है, मतलब रेड है, येलो है, कलर का रेड है, येलो है, ब्लैक है, तीन कलर है, ठीक है ना। सो सो ओ ओ ध्यान दो, एक पेन छीन ले, यहाँ देखो रेड है, येलो है और ब्लैक है, हम जो पहन के हैं, ठीक है, मान के चलो। अब हर जो पहन का है, मान लो उसमें रेड है, ब्लैक है और ग्रीन है, मतलब मेरा उसमें कौन सा कलर मैच कर लिया? रेड एंड ब्लैक, बोलो मैं। मतलब हम दोनों का अगर कलर इंटरसेक्शन होता है, कौन कौन मैच करेगा? रेड और ब्लैक, वो हमारा होता है इंटरसेक्शन। क्या क्या, तो यहाँ पर दो दो सेट है, ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ध्यान से देखो, ये पोजीशन में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये बोलो माया ना, बोलो माया ना, ये वाला एरिया ए भी कट कर रहा है, बी भी कट कर रहा, कट कर रहा कि नहीं? अरे बोलो माया ना, है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल दिखाएं, एग्जाम्पल दिखाएं। वो पहला वाला क्या था? वो डिस्जॉइंट था। These are disjunction because they are not intersecting, not a single element are intersecting each other. देखो देखो, क्वेश्चन देखो। If दो सही बात फिर से बोल दिए सर, क्या हुआ था? ध्यान दो, बोलो क्या बोले, बोलो फिर से बोलिए सर। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो एरिया देखेगा, बताओ निकालो उसका आंसर क्या है, क्या है इंटरसेक्शन भी क्या है, इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? 2.4 सर, 2.4 बोलो हाँ या ना, है ना, आएगा कि नहीं? इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं? जो इंटरसेक्ट करता, क्या करता, ठीक है। ध्यान दो, यहां पर ए में कितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, कौन कौन है? 1, 2, 3, 4। बी में कितना एलिमेंट है, कौन कौन है? 2, 4, 5, 6। कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है? 2, 4, है कि नहीं? ये दोनों में है, इसलिए 2.4, ये दोनों इंटरसेक्शन है। क्या है? इंटरसेक्शन, समझ में आया? अब हम तुमसे पूछते हैं यूनियन, क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं? यूनियन। अब बताओ यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट? सर बोलो, बोल रहे कि सर इधर मान लीजिए 4 एलिमेंट है, उधर 3 एलिमेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए यूनियन बी, देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहला बात देखो, हमारा ये वाला हमारा यूनियन होगा, ये वाला यूनियन ये वाला हो गया, अरे हो गया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कॉमन वाला छोड़ के सारा होगा, साथ ही साथ कॉमन वाला को एक बार लिखना है, कितना बार? एक बार, कितना बार? मतलब ये पूरा हमारा यूनियन हो गया, पूरा यूनियन हो गया, कितना बार? ये पूरा यूनियन, समझा? जैसे देखो यहां से ए यूनियन बी निकालो, क्या निकलेगा? ए यूनियन बी, ध्यान दो, ए यूनियन बी क्या होगा? देखो 1 है, 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, 4 डालना है, 4 एलिमेंट पहले डाल देना, 4 एलिमेंट पहले। अब यहां देखो
वन में ना है, देखो टू है, यहाँ टू है ना, पहले टू डाले हैं, डाल चुके हैं, इसको हटाओ। फोर डालना, फोर पहले डाल चुके हैं, इसको हटाओ। सिक्स डालना, सिक्स डाले हैं, नहीं डाले, फिर सिक्स डालो। एट डाले हैं, नहीं डाले, फिर एट डालो। और कुछ एलिमेंट छूटा, देखो इसमें दोनों से कम नहीं हो गया, सारा है, लेकिन बार बार नहीं, इतना रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है ना, रिपीटेशन आप नॉट अलाउ, ठीक है ना। ये हमारा क्या क्या यूनियन, ये हमारा क्या क्या इंटरसेक्शन, ये क्या क्या इंटरसेक्शन, ये हमारा क्या क्या यूनियन, क्या क्या बोलो, हाँ या ना, अरे बोलो, हाँ या ना, अरे बोलो, अरे पापा बोलो, अरे बोलो, हाँ या ना, एक बहुत खतरनाक चीज बताने जा रहे, डरना थोड़ा सा, डर जाएगा। अच्छा डिफरेंस ऑफ सेट बता दे क्या, डिफरेंस ऑफ सेट, उसकी जरूरत नहीं, वो सब नहीं पूछेगा। मेरा वाईफाई तो भी रिचार्ज नहीं खत्म कर दिया, स्कूल वाला वाईफाई का कनेक्शन सही है, वही यार अपलोड कर रहे कल सुबह सुबह, एक दिन घंटा स्कूल में पढ़ाई है, एक दिन घंटा अपलोड वीडियो अनलिस्टेड कर अपलोड कर, जब मन चाहे तब उसको ये ओपन कर सकते, मतलब पब्लिश कर सकते। ऐसे करके क्या होता है, एक बार गांव गए थे, ठीक है, कोरोना टाइम में जब स्टार्टिंग वीडियो बना रहे थे, तो एक ही साथ में 15-20 वीडियो बना चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं, गांव में डेली एक एक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, सब लग रहा आज बना रहे, आज अपलोड कर रहे शुरू में भाई वीडियो आ रहा था, एक एक दिन मैंने कंफर्म इस टाइमिंग में इतना वीडियो आ जाएगा। झारखंड पहले बिहार में आता था, गलती से निकल गया। कब जाइएगा आप? जब मन करे तब चलेंगे, अपना काम रिलेटेड भी। एक बार तो किसके अपना वो जो याद है, वो जो बात था सर, समस्तीपुर जानते सर? हाँ समस्ते जानते, मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सब जानते हैं सर। ये पटना? नहीं नहीं, आप पटना का नाम पहली बार सुन रहे हैं, आसनसोल में नहीं जानते हो? गए सर पटना? गए कहीं नहीं है, लिमिटेशन मेरा तो बता दे, मेरा डोमेन कहाँ से कहाँ है ट्रेवलिंग का, डोमेन है मेरा इधर है लखीसराय, लखीसराय बता रहे, एक्स बिलोंग्स टू लखीसराय से, ठीक है, नहीं है खड़गपुर, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, हाँ क्लोज ब्रैकेट है, देना सेट्स में भी ध्यान है, क्लोज है सर, हाँ हाँ कल भी क्लास होगा, बाहर वाला जा रहा है जो वापस नहीं आएगा, ठीक है,
बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 10 रुपए राखी बंद हो, 1000 चलो 50 रुपए, 950 रुपए फायदा है। ध्यान दो जितेंद्र, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, बहुत खतरनाक नाम है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। सिमेट्रिक मतलब पता है सबको, दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड या दोनों भाग में इक्वल पार्ट है, दो भाग में इक्वल पार्ट है, दो भाग में यहां से मान लो दोनों साइड इक्वल है, मान लो, मान में क्या जा रहा है, मान लेते हैं हम बात नहीं है, ठीक है, मान में क्या जा रहा है, 8000 दोनों फिजिक्स वाला मेरा अभी सिमेट्री की बात करते हैं, इसका साइन होता है हमारा क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस का डेल्टा, क्या होता है, मतलब हमको निकालना क्या, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, क्या निकालना, ए डेल्टा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, खतरनाक चीज है ये, बुक में निकालना है हमको सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या देगा, बी सी का काट देगा, तो हमारा सिमेट्री हो गई, क्या सिमेट्री, क्या गया सिमेट्री, जैसे मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए उसका, हमको इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना, क्या निकालना, तो ध्यान से देखो ऐसे काटते हैं बीस से, तो जितना वाला ये हो गया उतना वाला ये हो गया, इसको अगर बीस से निकाल देते हो, बोलो हाँ दोनों बराबर हो कि नहीं, मतलब हमको दोनों साइड में क्या करना है, बराबर करना है, क्या करना है, बीस से पहले कुछ निकालते हैं, मतलब बीस से अगर ये वाला निकाल देंगे, अरे बोलो हाँ ना, बीस से ये निकाल देंगे, यहां से देखो ये जो पार्ट मेरा बन रहा और ये जो पार्ट मेरा बन रहा इक्वल रहे, अरे बोलो हाँ ना, है कि नहीं, ब्लू वाला और ब्लैक वाला पार्ट इक्वल रहेगा, अगर बीस से वो निकालेंगे, बोलो हाँ ना, कैसे निकालेंगे, पहले बता पूरा कैसे होगा, पूरा पूरा क्या होता है, ए यूनियन बी, अरे बोलो हाँ ना, पूरा वो ए यूनियन बी होता है ना, एक ही बार आता है बीच वाला, समझ में आ गए, बोलो समझ में, शाबाश, ए यूनियन बी, बोलो हाँ ना, पूरा हमारा क्या है, ए यूनियन बी हो गया ना, ए यूनियन बी, उसमें से निकालना क्या है, बीच वाला, क्या निकालना, बीच वाला, बीच वाला कौन है, ए इंटरसेक्शन बी, बोलो हाँ ना, है कि नहीं, बन गया फॉर्मूला, ताली बजा रहे डोलू लेकर डोरी वन वाला एक नहीं आता बच्चों में ताली बजा चाबी दे दो ताली बजा चलो ये बच्चों से नहीं जाता चल क्या बोल अच्छा ये हो गया क्या भैया सिमेट्रिक डिफरेंस समझ लेता अभी वो आना बाकी है जबरा अवसर है सर यूनियन से यूनियन बता दिया इंटरसेक्शन बता दिया सिमेट्रिक डिफरेंस बता दिया नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलो सर कितना है और एक ही समय ठीक है जाना जाना है क्या प्रॉब्लम है जाना मिटा इसको कितना बजे चले बजे अभी तक बहुत लेट से स्टार्ट हुआ मेरे गलती है 20 मिनट 2 बजे 2:20
इन लोगों को फोन करना चाहिए कि इंस्टीट्यूट खुला हुआ नहीं है। सर आप कहाँ हमने उठाया था? नहीं हमने किया, नहीं किया वहाँ तो कोई भाई नहीं एक महीने हो ठहर रहे हो शताब्दी पार्क यहाँ वाला शताब्दी। अरे ये पार्क तो पार्क है, इसमें तो कभी अंदर नहीं गए लेकिन सुने बाहर से बहुत अच्छा है। अब उधर जाकर इसमें 2 घंटे टाइम वेस्ट करेगा, उससे 36 में सवाल नहीं बना लेगा 2 घंटा में। दो घंटा जब सवाल टाइम वेस्ट हो उससे सवाल बना दे मालूम है। ये तो कौन पार्क बोली थी दक्षा? सुगम पार्क। नाम बहुत सुने नेहरू पार्क, हम नए कभी नहीं बता दे रहे हैं, बताया तो डोमेन पता नहीं कहाँ से कहाँ तक गए। मेरा भाई असली डोमेन है घूमने का, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग सब कुछ सब बैठ के बोलो सो जाओ, बैठ में पढ़ो जितना मिल जाए, खाने का बहुत बड़ा शौक। अरे वो जो तुम्हारा बोल रही थे कली चाहिए भी क्लियर हो गया था, पैसा लेकिन हमें मतलब बस हो गया जो बात है सोचे जो पार्सल जा रहा था वो भी खा जाते जगह रहना चाहिए ना, रास्ता अरे उठने मन नहीं कर रहा, गरीब को दे दिया आप भी दे देते हैं। हम भी तो गरीब है, हम भी तो गरीब है। चल तो वहां से फाइव के जो तेल वाला दुकान से बोलना पड़ेगा पैसा निकले तो देखो पैकेज क्या हुआ। देखो नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? वो तारीफ नहीं है यहाँ, कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाता है नॉट नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझते बात को। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कोई बात नहीं, इसको पहले डिनोट करने का देख लो, मान लो एक सेट है ए, ठीक है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है कॉम्प्लीमेंट, तो कोई क्या करता है ऊपर में डैश लगा देता है, क्या लगा देता है एपोस्ट्रोफिस लगा देता है, इंग्लिश में ही बोलते ना, अंग्रेजी सही हो गया मेरा, ठीक है एपोस्ट्रोफिस लगा दिया, इसे क्या बोलता है कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं, कोई कोई क्या करता है ज्यादा होशियार है तो क्या करता है बार लगा देता है, ये भी क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट, जो दिखाता है अपने आपको ज्यादा शो ऑफ करता है कोई कोई ये दिखा देता है एक पावर सी, ठीक है इसका तीनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही है, तीनों ही करते फर्क का है,
कुछ फर्क नहीं, लिखने का फर्क है, कोई दिखाना चाहता ना। देखो हम पैसा वाला है, कोई हम ये है, देखो 8000 करोड़ का मालिक है, टी शर्ट में आ जा रहा पीडब्ल्यू टी शर्ट पहन करके, उसमें भी लिखा हुआ है वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया, जब स्टूडेंट उससे केमिस्ट्री का डिमांड किया तो केमिस्ट्री पढ़ के ही पढ़ाया, पता पढ़ के पढ़ाया वाले सर जो है केमिस्ट्री पढ़ के पढ़ा के कोई पढ़ा सकता बता दे, जिसमें जो मतलब होता ना करने का क्षमता रहता ना, मतलब होना चाहिए हम कर लेंगे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे जो भी है तो सब पढ़ ही कर किया, कौन इसमें यहाँ पर आकर के सीख के गया, यही बात है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस का कमी रहता है, क्या समझे एक्सपीरियंस का कमी रहता है। जब अब मेरा बात सुनो, क्वेश्चन देखो, इफ ए इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑफ रियल नंबर, लिखो रियल ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट का नंबर मतलब ही बताए, बताए तो नॉट मतलब नहीं, तो कोई सेट नहीं है, बताए बताए क्वेश्चन से समझाएंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे तब समझाएगा। इफ ए इज यूनिवर्सल सेट ऑफ इवन नंबर, बहुत आसान, कितना पार्टी दिया बताइए तो, देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए इज सेट ऑफ इवन नंबर, यूनिवर्सल सेट ऑफ इवन सेट लिखो, ए इज सेट ऑफ इवन नंबर, सो बोल रहा ए एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है सिर्फ इवन नंबर है, क्या देखो इधर देखो ट्रेन चला रहा, हम लोग को क्या मालूम है दो तरह का नंबर है, एक इवन और एक ऑड, बताए कि नहीं, अरे बोला इन केस ऑफ डिफरेंशिएट कर रहे जब उसमें दो तरह का नंबर इवन और ऑड, तो हम लोग बोल रहा एक ऐसा सेट है ए जिसमें क्या है एलिमेंट सारे एलिमेंट क्या है इवन नंबर, क्या तो उसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, मतलब एक ऐसा सेट बताओ जिसमें इवन नंबर ना हो, जिसमें इवन नंबर, जैसे देखो 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 सॉल्यूशन देखो, एक सेट है ए जिसमें क्या है माइनस, मतलब इधर देखो मान लो इधर टक 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 माइनस फोर माइनस टू जीरो टू फोर सिक्स ऐसे टक 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 जाते रहेगा, बोला हाँ या ना, ये एक सेट हो गया, अरे सेट ऑफ इवन नंबर ऐसे होगा ना, अरे दो आदमी होगा सेट ऑफ इवन नंबर ये होगा, हमको बोला ऐसा सेट बनाओ जिसमें इवन नंबर ना हो, मतलब क्या हो और है कि नहीं, इजी तो है, एक ऐसा सेट बताओ जिसमें इवन नंबर ना हो, किसमें होगा जिसमें ऑड होगा, अरे बोलो हाँ या ना, एक कॉम्प्लीमेंट है उसमें, एक ऐसा सेट है मेरे पास, कह रहा सेट है एक ऐसा सेट है जिसमें सब क्या है इवन नंबर, सब क्या है कैसे क्या है सब इवन नंबर दिया ना, पर अब बोल रहे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका क्या निकालो मतलब इसका नॉट निकालो, मतलब एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें इवन नंबर नहीं हो, जिसमें इवन नंबर, हाँ तो कौन होगा इवन नंबर छोड़ करके और ठीक है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा टक 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 कहां से माइनस फाइव, बोलो है ना,
माइनस थ्री माइनस वन वन थ्री फाइव से टक टक कर बोलो आया ना सर जीरो नहीं आया सर इसमें जीरो और होता है जीरो इवन होता है तो फिर हमको पता नहीं था माइनस में भी इवन है आप बात कर रहे हो तो वन तो मैं छोड़ दूँ कहाँ हो क्या वन इवन होता है नहीं पहले मतलब क्वेश्चन लिख लो उसके बाद छाट लो पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर तो पहले ये बनाओ ये बनाए बोल रहा फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाले पहले हम इसको बना ये है गिवेन ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अरे बोलो हाँ या ना जोर से बोलो अब क्वेश्चन दे सर होमवर्क दे दी अरे एक क्वेश्चन देखो मजेदार क्वेश्चन दो से आठ तीन पांच सात आठ थ्री फाइव क्वेश्चन देखो बेटा इसको अरे बेटा है इसको भी डर लग रहा है कितना लिखोगे क्वेश्चन देखो खौफ खौफ एक सिंगर से आदमी को लेता है कौन कौन हाँ सर क्या खौफ हाँ सर खौफ मेरा नहीं नहीं खौफ मेरा नाम अरे मेरा अच्छा ये हाली ना डर रहे हो हाँ रैपर है का एक ऐसा नाम रैपर ही रखता है अब देखो ये शास्त्रीय संगीत वाला रहता है क्लासिकल सिंगर तो उसका नाम रहता जगजीत धर्मजीत मान लो है टोल है फोर है सिक्स है यू है यू यूनिवर्सल सेट फिर मान लो बी है सेट तो सर हम लोग कैसे समझेंगे यूनिवर्सल सेट यू लिखा रहे गाइस कैसे लिखते हैं ये सेट का रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले क्लास में बताया था बताया था ना हां सर ओके थ्री फाइव यू सेट का रिप्रेजेंटेशन है हां यू सेट में कोई भी सेट को कैसे लिखते हैं डैश इक्वल टू यू लिख दिया मतलब यूनिवर्सल यू लिख दिया मतलब ठीक है यू लिख दिया मतलब यूनिवर्सल टू थ्री फाइव सेवन टू थ्री फाइव सेवन टू थ्री फाइव सेवन नहीं सेवन चलो हम लिए बोल रहा क्वेश्चन देखो वेरीफाई क्या करना है वेरीफाई करना क्या वेरीफाई करना मान लो वेरीफाई करना ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चलो सॉल्व करो इसको फिर कुछ फॉर्मूला लिखवाएंगे टक 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 फिर कुछ फॉर्मूला लिखवाएंगे चलते 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 चलो चलो हम दे दिए होगा चाहे नहीं होगा हम क्वेश्चन दे दिए करो हो जाएगा क्या नहीं होगा सब होगा बस लास्ट टॉपिक बचा है लॉ ऑफ एग्जांपल अलजेब्रा से इसके बाद तो खत्म से अरे ना 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 ना
भैया हम बताएं ध्यान दो सर ब्राइटनेस कम कर दीजिए तो बैटरी भी लगेगा कोई अपना इस चार्जर का मोई से लंबा है बहुत दिन दार है चार्ज ऐसे में तो ज्यादा दिन का लगेगा इसे चार्ज होगा फिर उसका फिर तो लोगों रिकॉर्डिंग चलेगा ध्यान दो देखो ए यूनियन बी देखो ध्यान दो इधर ए यूनियन बी पहले ए यूनियन बी अंदर वाला देखो ए यूनियन बी क्या होगा टू है गया टू फोर सिक्स एट है कि नहीं टू थ्री फाइव सेवन टू तो गया थ्री फाइव सेवन देखो ए यूनियन बी कर रहे हैं ये सारा एलिमेंट आ जा रहा है ना वो है ना मतलब क्या क्या आ जा रहा है टू आ जा रहा थ्री आ जा रहा फोर आ जा रहा फाइव आ जा रहा सिक्स आ जा रहा सेवन आ जा रहा एट आ जा रहा लेकिन ऊपर में क्या है कॉम्प्लीमेंट अभी लिखो इसे अभी इसे लिखो इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहां से ऊपर में डाल दो ठीक है ए कॉम्प्लीमेंट मतलब टू छोड़ के टू फोर सिक्स एट जिसमें से डॉट है उसको नहीं लेना जिसमें से डॉट है उसको क्या बचा वन थ्री फाइव सेवन नाइन है कि नहीं साथ में बीच में क्या है इसका इंटरसेक्शन बोला है नॉट ले लिए इंटरसेक्शन देखो ये उल्टा अब बी कॉम्प्लीमेंट बी हमारा क्या है टू थ्री फाइव सेवन क्या है टू थ्री फाइव सेवन मतलब बी कॉम्प्लीमेंट क्या देगा वन फोर सिक्स एट नाइन बोलो है ना है कि नहीं सर वन थ्री ये क्या है सर क्योंकि ए हमारा ये है ना ए का कॉम्प्लीमेंट मांगा मतलब जो चीज ये इसको छोड़ के ध्यान दो अब देखो इसको छोड़ करके इसमें क्या है वन और नाइन है कि नहीं है कि नहीं कॉम्प्लीमेंट है ऊपर में है ना इज इक्वल टू अब ये दोनों का इंटरसेक्शन वन है अरे है कि नहीं है और कौन है थ्री है नहीं है फाइव है नहीं है सेवन है नहीं है फोर सिक्स एट नहीं है कौन है नाइन बोला है ना मतलब वन कॉमन नाइन बोला है ना मतलब एल एच इज इक्वल टू रूडो क्या बोला है ना रूडो क्या एग्जाम में प्रूफ ऐसे ही लिखा था मस्त लगेगा नंबर देगा आधा नंबर ज्यादा इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिए ये दो का इंटरसेक्शन वन और नाइन बस ठीक है सही है एक क्वेश्चन और फिर लिखो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट सर जाएंगे सर जल्दी कोई बात नहीं जा रहे हैं हाँ देखो क्यों कहाँ जाएगा अरे हमको जाना है यार कहाँ जाना है वहाँ जाएंगे ओह क्या रहा है इंटरेस्टिंग लग रहा उसे गजब ज्ञान दे रही है ये क्या लगा चलो तो जाने वाले लड़के लोग बोलो नहीं जाएंगे रिकॉर्डिंग तो ही रहा छोड़ देगा क्या हुआ और आधा घंटा लगेगा तुम लोग कर लेंगे आधा घंटा नहीं तुम लोग कम से कम डेढ़ घंटा कितना एक